बारे जब विधायक बनी बड़ा पहलवा या काल पड़ जाए धरना नहीं सुखा जात तो हमरे विधायक में लक्षणियो होला ना इतना बरखा बरसा था केहू के धान मरल है तो हम हरली तो इन जगह काले पड़ी जिसमें आप बोल रहे हैं कि अगर हमको जिताइएगा तो हरा भरा रहेगा नहीं तो हार जाएंगे तो अकाल पड़ जाएगा किस गांव का मामला है क्या बात मैंने इस बात को नहीं किया है कहा ही नहीं है मैंने ये कहा है कि जब से मैं जीतते आ रहा हूं तब से इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा विरोधी लोग अगर इस बात को विखंडित करके बोल रहे हैं तो मैं किसी के मुँह पर ताला नहीं लगाया हूँ लेकिन एक चीज पहले भी मैंने कुछ चीज़ को कहा था आज भी मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि भक्त के बस में भगवान होते हैं भगवान के बस में भक्त नहीं होते बल्कि भक्त के बस में भगवान होते हैं भक्त इतने सच्चे दिल से याचना कामना प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी विनती को स्वीकार करता है इस आधार पर मैंने कहा और यहाँ की जनता भी कहती है मैं उनसे पूछता हूँ कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं जीता हूं तब से अकाल पड़ा ही नहीं है मैं दोहरा के कहता हूं और धड़ल्ले से कहता हूं अगर विरोधियों को ये बात अब जो लोग विरोधी लोग कहते हैं कि ये कहते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया मैं कहता हूं कि मेरे रीजन में मैंने काफ़ी मेहनत किया आज़ादी से लेके आज तक 1952 से इस देश के अंदर चुनाव हो रहा है तब से लेकर के यहाँ बहुत विधायक हुए सांसद हुए मंत्री हुए लेकिन किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल बनवाया था मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास का नारा देते हुए हम लोगों ने जो काम किया है उसका जीता जागता उदाहरण है कि भगवानपुर प्रखंड के जैतपुर गांव में 87 करोड़ रुपये के लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाया और 8 तारीख को उसका उद्घाटन भी हुआ तो और इधर अकाल कभी पड़ा भी नहीं ये देखने को मिलता है जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा अब विरोधी को ये बात बुरा लगता है तो मैं क्या करूं